So in the figure shown, the sun gear is the input, and it is driven clockwise at 100 revolutions per minute. The ring gear is held stationary by being fastened to the frame. So यहाँ पे हमें रिंग गियर का उन्होंने बता दिया है कि जो रिंग गियर है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, जीरो है, और जो सन गियर है उसकी जो स्पीड है वो है 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और वी आर गोइंग टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर. क्यों? क्योंकि ये एक क्लॉकवाइज है हमारे पास. यार मुझे 2 मिनट दें, इसको मैं बंद करने का एक तरीका देख लूं. वैसे तो मेरे से ये बंद होगा नहीं, लेकिन फिर भी शो विजुअल इफेक्ट्स. ओहो, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? नजर आ रहा है कुछ और हैंड राइटिंग? फ्री रेंज हो गए. वो तो रेज हो गया है, ये जो बार बार आ जाता है ये. देख के बता सकते हैं कैसे बंद होगा? सर ये इसके कॉर्नर पे आ तो रहा क्लोज का ऑप्शन, ये फिर आ जाता है ना. ये देखिए मैंने क्लोज किया, जब मैं इधर से क्लिक करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा. नहीं आ रहा सर. आ जाएगा थोड़ी देर में. ओके जी, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करना है. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इट इज ड्रिवन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमसे वो चाह क्या रहा है? वो कह रहा है कि फाइंड द रेवोल्यूशन पर मिनट एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. रेवोल्यूशन मतलब स्पीड वो चाह रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब वो चाह रहा है कि क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्म एंड गियर फोर. तो एक तो हमें इसका इसकी स्पीड चाहिए, एक आर्म की हमें स्पीड चाहिए, और दूसरी हमें ये जो गियर फोर है इसकी स्पीड चाहिए. इन दो के ऊपर हमने काम करना है यहाँ पे. अब हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि इनका फॉर्मूला जो है वो है, आपके पास जो ट्रेन वैल्यू है लास्ट की स्पीड माइनस फर्स्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय लास्ट की स्पीड माइनस आर्म की स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट की स्पीड माइनस आर्म की स्पीड. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट माइनस आर्म ओवर फर्स्ट माइनस आर्म. अच्छा, लास्ट की रेवोल्यूशंस क्या है? अब हमें पता है कि अगर हमने इस सारे का लेना है तो लास्ट की रेवोल्यूशन हमारे पास हमें पता है वो जीरो है. ये कौन लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, जल्दी से बताएं. लास्ट की है जीरो, आर्म का हमने फाइंड करना है तो हम आर्म को इसी तरह से लिख लेंगे. फर्स्ट की स्पीड कितनी है? माइनस 100,
और आर्म जो है हमें उसकी स्पीड नहीं पता, हम वो अगेन इसी तरह से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें इसकी भी वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता कि ट्रेन की वैल्यू क्या है। अब एक आपके पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन है और उसके अंदर दो अननोन्स आ रहे हैं, तो हमें इसमें से किसी एक अननोन को खत्म करना होगा, तो हम क्यों ना इसको खत्म करने की कोशिश करें। तो हमें पता है कि ये जो आपके पास ट्रेन वैल्यू होती है, इसके जो फॉर्मूलाए हैं वो आपके पास हैं, नंबर ऑफ टीथ की फॉर्म में भी आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर एन थ्री ओवर एन टू की फॉर्म में मौजूद है, या फिर आपके पास मतलब स्पीड की फॉर्म में भी मौजूद है, नंबर ऑफ टीथ की फॉर्म में भी मौजूद है, और डायमीटर की भी फॉर्म में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे हैं आपके पास। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी, ये तो तब होगा जब सिर्फ आपके पास एक पेयर है, लेकिन यहाँ पे प्लेनेटरी गियर के अंदर हमारे पास एक पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे पास एक से ज्यादा पेयर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ई है वो आपके पास स्पीड ऑफ द ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ड्रिवन गियर। तो बेसिकली हमने इसको यूज किया है और इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। तो अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आए, तो हमारे पास यहाँ पे जो गियर्स हैं, आपके पास गियर 2, 4 and 5 मौजूद है। ये तीन आपके पास गियर्स मौजूद हैं, 2, 4 and 5। 2 सन गियर है, 4 प्लैनेटरी गियर है, और 5 जो है आपके पास, या प्लैनेट गियर सॉरी, और 5 जो है ये आपके पास रिंग गियर है, ये आप यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो अब अगर हमने स्पीड लेनी है, सॉरी ट्रेन वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे एक चले काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये एन वाला काम तो कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर, बल्कि ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर। ये टीथ है बिल्कुल, फॉर्मूला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये मैं गलत लिखती हूँ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर, ठीक है। तो अब ये ड्राइविंग गियर हमारे पास कौन कौन से हैं? ड्राइविंग गियर आपके पास 2 है जो कि 4 को ड्राइव कर रहा है, तो हम इसके टीथ लिख लेंगे, इसके टीथ हैं 20। ये आपको 20 टीथ नजर आ रहा है, 20 टी का मतलब है कि ये 20 टीथ है इसके। और इसके अलावा 4 ड्राइव कर रहा है 5 को, तो 4 के टीथ कितने हैं? 30 टीथ हैं। अब ड्राइविंग गियर जो ड्रिवन हो रहे हैं, तो 2 इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय एनी गियर, इसकी अपनी शाफ्ट है जिसके साथ आप कह सकते हैं कि मोटर लगी हुई है और ये यहाँ पे आपका रोटेट हो रहा है, लेकिन जो 4 है दैट इज बीइंग ड्रिवन बाय दिस गियर 2, तो 4 के टीथ कितने हैं? 30। और फिर 5 इज बीइंग ड्रिवन बाय 4, और 5 के जो टीथ हैं वो 80 हैं। तो यही वाली वैल्यू मैं इसका आंसर, अच्छा यहां पे जब भी हमने ट्रेन वैल्यू लिखनी है तो ट्रेन वैल्यू विल इधर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये मुझे कि बता सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को हम कैसे देखेंगे? The train value will either be positive or negative. हम ये कैसे देखेंगे?
पहले और आखिरी गियर की डायरेक्शन देखेंगे, मोशन पहले और आखिरी गियर की डायरेक्शन देखेंगे। ओके जी, तो पहला जो गियर है जो टू है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, तो आपका जो दूसरा है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और जो तीसरा है क्योंकि वो जो है एक रिंग की फॉर्म में इसके साथ अटैच्ड है तो वो भी इसी डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। तो आप देखें कि यहां से जो फर्स्ट और लास्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके पास यहां पे ऑपोजिट हो गई है, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव और बाकी जो है यहाँ पे हम नेगेटिव डाल के बाकी 0.25 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपकी ट्रेन वैल्यू यहाँ पे -0.25 है। नाउ वी सिंपली हैव टू पुट दिस ट्रेन वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन -0.25। अब यहाँ पे एन ए का जो भी आंसर आएगा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन यहाँ पे रिमेनिंग है, हम इस अननोन की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वेदर इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो हम कहेंगे कि ये जो जो आर्म है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, और अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो हम कहेंगे कि आर्म जो है ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो इसकी जो आंसर आता है -20 रेवोल्यूशन पर मिनट आता है। Now, because the answer is in negative, so it means ke NA, the direction of NA which was being asked in the question is clockwise. ठीक है? जी सर। ठीक है जी? Okay जी. We are also being asked to find the direction and डायरेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द गियर फोर। अब यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो आपके पास फॉर्मूला है वो है ट्रेन वैल्यू का एन लास्ट माइनस एन आर्म, मतलब स्पीड ऑफ द लास्ट माइनस स्पीड ऑफ द आर्म ओवर स्पीड ऑफ द फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ द आर्म। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास आपको पता है कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर मैं आपको एक गियर ट्रेन बना के दिखाऊं, तो ये इस पूरी की एक वैल्यू होगी जिसको हम कहेंगे कि ट्रेन वैल्यू इस पूरे का एक है, लेकिन इसके अलावा हर स्टेप पे भी तो आपको एक ट्रेन वैल्यू मिल रही होगी। जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक जगह पे 5 पहले फर्स्ट स्टेप में नॉर्मली हम ज्यादा वाली वैल्यू लेते हैं और दूसरे के अंदर हम जो है, तो ये हर स्टेप की भी तो ट्रेन वैल्यू होती है ना। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब लास्ट हम 5 के बजाय हम लास्ट जो है वो 4 लें, ताकि हम 2 और 4 के दरमियान की ट्रेन वैल्यू को यूज करते हुए हम 4 के ऊपर आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो अब लास्ट जो है वो 4 होगा और आर्म जो है वो तो 3 ही है, इसी तरह जो फर्स्ट है वो 2 ही है और जो लास्ट है वो 3, आर्म जो है वो 3 है। ठीक है, अगेन यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, एन फोर की वैल्यू हमें अननोन है, एन थ्री आर्म की वैल्यू हम ये ऊपर निकाल चुके हैं -20 आरपीएम, तो हम इधर 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसी तरह एन टू की हमें पता है कि -100 है और एन थ्री की हमें पता है कि 2 है, लेकिन अगेन ये वाला भी अननोन हमारे पास एन फोर के साथ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब अगर हम वही वाला काम करें कि जो E है वो आपके पास N3 over N2 होती है या फिर
एन टू ओवर एन थ्री या फिर ई जो है वो एन ड्राइविंग ओवर एन ड्रीवन या फिर डी टू ओवर डी थ्री भी होती है, ठीक है। तो इसमें से हम ये एन वाला ले लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम टू और थ्री के दरमियान की ट्रेन वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो गियर है वो आपके पास जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग कौन सा है, टू है, उसके टीथ कितने हैं 20, और जो ड्रिवन है उसके टीथ कितने हैं 30, ऐसा ही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ड्राइविंग के 20 और ड्रिवन के 30, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। क्लास मौजूद है मेरे साथ उसामा क्लीन? उसामा नहीं मौजूद, सिर्फ ज्वाइन करके चले गए हैं। वकार? यस सर। हसन? यस सर। रोल नंबर 45? ऐसे तो गलत बात है ना, आप लोग मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनली जो गियर टू था उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और जो गियर फोर है उसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हम ई की जगह -20/30 लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही हमारे पास यहाँ पे अननोन है N4, नंबर 45 ठीक हो गया, थैंक यू। तो N4 आपके पास आ जाएगा 33/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। नाउ दिस पॉजिटिव साइन, दिस पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट N4 इज बीइंग रोटेटेड इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड वी कैन चेक इट फ्रॉम हियर दैट इट इज फॉर श्योर रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने ये फार्मूला देखना है कि यहाँ पे फार्मूला किस तरह से लगेगा। एक ही फार्मूला है, उसको आपने मैनिपुलेट करके बार बार यूज करते रहना है, ठीक है। सॉरी जी सर, नहीं कुछ कहा। ओके हसन, ठीक हो गया। ये लास्ट टाइम हमने किया था लेकिन मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यहाँ पे अभी तक जो आपने फॉर्मूलाए यूज किए हैं वो ये वाले यूज किए हैं। आखिरी दफा आपको मेंशन कर देता हूं, आपके पास एन लास्ट माइनस एन फर्स्ट ओवर, सॉरी ये आर्म है, एन फर्स्ट माइनस एन आर्म, और ये आपके पास स्पीड की फॉर्म में है, रेवोल्यूशंस पर मिनट की फॉर्म में है। उसके अलावा जो होता है ये नंबर ऑफ टीथ की फॉर्म में भी होता है, नंबर ऑफ ड्राइविंग टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्रिवन गियर। तो यही फार्मूला आप बेसिकली यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसी फार्मूले से आप आंसर ले रहे हैं। मैनिपुलेशन आपने तब करनी है कि जब आप पूरा एक सेट लेने के बजाय उसमें से जो है पेयर्स को अलग अलग कर लें। जैसे यहाँ पे हमने टू और फोर को अलग से इसकी हमने देख लिया था कि इसकी ट्रेन वैल्यू क्या है।
ठीक है जी। मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैं इसका कोई सारे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है ये। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्पर गियर। अब हम स्पर गियर को देखना चाह रहे हैं। फोर्स एनालिसिस है, फोर्स एनालिसिस ऑफ स्पर गियर, इसको हम किस तरह से देखते हैं। आपको पता है कि आपके पास एक, चलिए रीजॉइन कर लीजिए। Terry says, for some reason, my pen basically curves the page and moves it up or down.
my intervals left and right. I've tried everything I can think of. When I have window zinc on, it moves the page. If I don't have window zinc on, then there's no pressure. Hell, this is a bug that Wacom is aware of, and they have a solution for fixing it. I'll go ahead and walk you through all the steps. So what's happening here is if you draw left or right, you can draw a line. But if you try to draw up or down, then it ends up getting your page. And again, this is a Windows Ink bug, not a Wacom tablet bug. So essentially, all we need to do is turn off Windows Ink. मैं सिर्फ ना ये देख रहा हूँ कि कैसे इसको ऑफ करना है. चलिए बस इसी के साथ ही सारा करना पड़ेगा. ओके जी, जिस वक्त हमारे पास स्पर गियर होता है और तो वो एक दूसरे को के ऊपर लोड लगा रहा होता है. अब जब वो लोड लगाता है तो वो जो भी फोर्सेस वगैरह वो अप्लाई कर रहा होता है, वो फोर्स जो है अलोंग दिस प्रेशर लाइन लगती है. आपको प्रेशर लाइन का पता है, ठीक है? प्रेशर लाइन जो है ये एक प्रेशर एंगल के ऊपर होती है. अब जो भी फोर्स लगेगी वो इसके ऊपर लगेगी. अब क्योंकि हमारा जो पिनियन है वही, अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे आपका ड्राइविंग गियर जो है वो पिनियन है और जो ड्रिवन है वो आपका गियर है, ठीक है? तो अब ये जो है और ड्राइविंग जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये यहां पे आके पुश करेगा गियर को इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये गियर को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो गियर के ऊपर ये इस तरह से फोर्स लगाएगा एट दिस एंगल फाइव, ठीक है? और ये मुझे क्यों बता सकता है ये कौन से सर्कल है? सर ये हमारे पास बेस सर्कल हैं. बेस सर्कल क्या होता है? बेस सर्कल तो वो होता है ना जहां पे आपका इन्वोल्यूट प्रोफाइल जहां से जनरेट होती है. जी सर. सर ये पिच सर्कल है.
ये पिच सर्कल है आपका, ये बेस सर्कल नहीं है। पिच सर्कल आपके दोनों एक दूसरे के साथ टेंजेंट होते हैं, ठीक है। जो बेस सर्कल है वो इससे नीचे होता है, क्योंकि बेस सर्कल जो है वो इस प्रेशर लाइन के टेंजेंट होगा। बेस सर्कल यहाँ पे बनेगा, मैं अगर इसको क्लियर करूं तो बेस सर्कल जो है उसका रेडियस ये वाला होगा, ठीक है जी सर। जी सर क्लियर है जी। और अडेंडम कहाँ पे होगा? अडेंडम इस पिच से ऊपर होगा या नीचे होगा? सर आप किस अडेंडम की बात कर रहे हैं, ड्रिवन के या ड्राइविंग के? किसी का भी बता दें, पिच से ऊपर होगा। ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। नहीं, पिच से ऊपर होगा या नीचे होगा ये बताइए। ऊपर होगा, पिच सर्कल से ऊपर होता है। ऊपर होता है, और अडेंडम जो है बेस सर्कल से भी नीचे होता है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे पता है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स लग रही है, टू लगा रहा है थ्री के ऊपर। द फोर्स बिकॉज ऑफ टू ऑन थ्री है ये, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स है। अच्छा, अब जो ये फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये जो फोर्स है ये एक काम करने की कोशिश कर रही है। ये मेरा गियर लगा हुआ है और ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, आप देख पा रहे हैं। तो ये सर ये फोर्स है। अब ये फोर्स क्या करेगी? ये फोर्स जो है शेफ्ट को असल में मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो शेफ्ट इन रिस्पांस जो है, शेफ्ट के ऊपर जो होगी वो, और जो शेफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए या बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इन रिस्पांस जो इस इधर रिएक्शन लगेगा वो एफ बी थ्री यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज यहाँ पे हो रही होगी, यहाँ पे होगा कि ये जो एफ टू थ्री है इसके दो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, जिनमें से ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम डब्ल्यू आर कहेंगे। WR का मतलब ये है कि ये W स्टैंड फॉर फोर्स है, यहाँ पे हम फोर्स के लिए W यूज करें, आप FR भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बुक के नॉमनक्लेचर के हिसाब से, क्योंकि W यूज हो रहा है तो आप W यूज करेंगे, बेहतर होगा, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि सारे फॉर्मूला इसी के अंदर है मौजूद आपके पास। तो ये आपके पास रेडियल फोर्स है, याद है हमने मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल वन के अंदर बेंडिंग वगैरह पढ़ी थी। तो जिस वक्त हम शेफ्ट को डिजाइन कर रहे होंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये कितनी, और इसके हिसाब से हम शेफ्ट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए शेफ्ट के लिए है, और जो थ्रस्ट होगा वो बेरिंग के लिए है, और ये जो है ये आपके पास गियर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, अब ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स इन रिलेशन टू दिस रेडियस, जो के पिच रेडियस आप इसको कह सकते हैं, इसके साथ मिलके ये यहां पे एक टॉर्क जनरेट करेगी, और वो जो शेफ्ट है, शेफ्ट जो है उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सर? रेडियल फोर्स का नहीं होगा हमारे पास रिएक्शन? देखिए, ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के रिएक्शन तो हमने दोनों बना लिए है ना जी? ठीक है सर, फोर्स का रिएक्शन आ गया, लेकिन एक फोर्स हमारे पास टॉर्क भी जनरेट कर रही है, तो उसका भी फिर हमने रिएक्शन बनाना है जी। ठीक है सर, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको रिमूव कर दें, आप कहें कि एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, और तीसरा ये रिएक्शन है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। जब जो पिनियन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो जो गियर है वो इसके ऊपर, और ये हमने मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल 2 के अंदर देखा भी था, जो गियर है वो क्या करेगा, वो ओपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जो थ्री है वो टू के ऊपर इन ओपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, अगेन एंगल जो है आपका प्रेशर एंगल होगा, जो शेफ्ट है उसके ऊपर
उसके रिएक्शन में आपके फोर्स लग रही होगी और आपके पास यहाँ पे एक टॉर्क भी मौजूद होगा, ठीक है जी सर। अच्छा, जो टॉर्क आपके पास है वो फोर्स की वजह से है, आर क्रॉस एफ, ऐसे ही है ना। और जो एफ है यहां पे वो क्या है, डब्ल्यू टी। अच्छा, डब्ल्यू टी मैंने डब्ल्यू आर का तो बता दिया था, डब्ल्यू आर जो है आपके पास रेडियल है, डब्ल्यू टी जो है ये आपके पास ट्रांसमिटेड लोड है जो कि टॉर्क की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसमिटेड लोड है या फिर आप इसको फोर्स कह सकते हैं। तो आर की जगह आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं डी ओवर टू से। आपको पता है कि हम पिच सर्कल के लिए नॉर्मली डी ही लिखते हैं, साथ हम नहीं लिखते अडेंडम डिडेंडम की तरह, जिस तरह लिख रहे होते हैं उस तरह से हम इसको नहीं लिखते। तो ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा डी बाई टू इंटू डब्ल्यू टी। अच्छा, अगर नॉर्मली हम हॉर्स पावर की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तो जब हम हॉर्स पावर की फॉर्म में बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, टी ओमेगा। तो टी हमने यहां से ऊपर निकाल लिया है, डी बाय टू डब्ल्यू टी इंटू ओमेगा। अब यहां पे अक्सर ये होता है कि हम जो है वेलोसिटी की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं रादर देन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अब आपके पास अगली स्लाइड के ऊपर यही चीजें आपको दिखाई जा रही है। सो ट्रांसमिटेड लोड डब्ल्यू टी इज द टेंजेंशनल लोड एंड डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एफ टू थ्री का टेंजेंशनल कॉम्पोनेंट, ठीक है, एफ टू थ्री का टेंजेंशनल। तो एफ टू थ्री या एफ थ्री टू जो भी आपके पास यहाँ पे है तो उसके दो कॉम्पोनेंट है, एक जो है टेंजेंशनल कंपोनेंट है और एक आपके पास रेडियल कंपोनेंट है, और इनका रिएक्शन जो है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है और इसी तरह टॉर्क भी यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो ये एन टू को यहाँ पे दिखाया गया और ये आपके पास डी टू यहाँ पे पिनियन का डायमीटर है। तो टॉर्क जो है डी बाई टू इंटू डब्ल्यू टी, में डब्ल्यू टी जो है वो गलत लिख रहा था, चैप्टर नंबर सेवन के अंदर शायद इस तरह से मैंशन है, ऐसा ही है ना, 7-2 जो एग्जांपल है। नहीं सर, वहां तो सीधा W लिखा हुआ है, जाके देखें 7-2 या इधर दिखा दो सर, ऐसा ही लिखा हुआ जैसे आपने लिखा। Yes, sir, superscript में ऊपर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे वो उसको कह रहा है WT, तो हम इसको इसी तरह से ही लेंगे जैसे इस चैप्टर के अंदर है। तो T is equal to D by 2 WT. It is the useful component of the force, ठीक है। जैसे जो फ्रिक्शन होती है, आप फ्रिक्शन की फॉर्म में जो आपकी एनर्जी लॉस हो जाता है वो आपका यूजफुल नहीं है, यहाँ पे भी जो ट्रांसमिटेड लोड है या टेंजेंशनल लोड है वही आपका यूजफुल है, ट्रांसमिटिंग द टॉर्क। तो यहाँ से टॉर्क आ गया, तो हम नॉर्मली इसको हॉर्स पावर में करते हैं, ट्रांसमिटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा, और जहाँ पे टी को जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू प्लग इन कर दी गई है और डब्ल्यू कर दी गई है ओमेगा की। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा है उसकी जगह आप ये भी प्लग इन कर सकते हैं। क्या हो गया जिशान, क्या कर रहा है, सही है, जिशान मुझे मिल भी नहीं रहे कि मैं उनको म्यूट कर दूं, मिल गए, बता दीजिएगा उनकी हमने गप्पे शप्पे सुनी है। तो बी जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है डी बाई टू ओमेगा,
ठीक है। तो यहाँ से आप हॉर्स पावर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये वी की फॉर्म में आ सकता है। तो हॉर्स पावर जो है वो आपकी बन सकती है इनटू वी, तो ये आपके पास इस तरह से आ सकता है। अच्छा नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हमारे पास डब्ल्यू टी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूला के जरिए, और डब्ल्यू टी से हम बाकी चीजें रेडियल कॉम्पोनेंट वगैरह हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश यूनिट्स में यूज करना चाह रहे हैं तो डब्ल्यू टी जो है, आप डब्ल्यू टी निकालना चाहेंगे तो डब्ल्यू टी जो है वो आपके पास 33,000 एच ओवर वी है। इसी तरह अगर एस आई यूनिट में करना चाहते हैं तो ये आपके पास डब्ल्यू टी 60,000 एच ओवर पाई डी एन है, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस तरह से होगा। ये अब हमारे पास प्रॉब्लम है 13-7 जिसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे स्पर गियर के ऊपर किस तरह से ट्रांसमिशन हो रही है। सर वो TA2 और TB3 की डायरेक्शन पे समझो, दोबारा समझा दो। हमने उन दोनों को क्लॉकवाइज इसलिए लिया कि TA2 जो है वो वहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और TB3 रिएक्शन में आ रही है, TA2 क्या है? TA2 तो वही है ना जो कि आपकी शैफ्ट जिस तरह से रोटेट कर रही थी, ठीक है जी सर। और TB3 रिएक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये रिएक्शन की वजह से, ये शैफ्ट का रिएक्शन है। यहाँ पे तो शैफ्ट रोटेट ही इस तरह से कर रही है, यहाँ पे ये रिएक्शन के तौर पर वो गियर हमारे पास पहले स्टेशनरी है और हम उसको उस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर TA2 रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं है TA2, आप इसको रिएक्शन कह सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखें कि ये असल में जो अप्लाइड है वो तो हमारा पिनियन है ना, हमने यहाँ पे शुरू में ही एक अजम्पशन ले ली थी कि आपका जो पिनियन है वो ड्राइविंग है, तो जो ड्राइविंग है वो रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो हमने उसको उसी तरह से कर लिया। लेकिन अगर आप इसको उस तरह से देखना चाहते हैं तो उस तरह से हम लिखते हैं, उस तरह से आपका इसका जो F32 का जो टेंजेंशनल कंपोनेंट है वो जब इसके साथ मिलेगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ तो ये इसको किस तरह से घुमाएगा, ये इस तरह से घुमाएगा, तो तब ये रिएक्शन के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं कि तब ये रिएक्शन जी सर, ठीक है। तो ये उस तरह से, लेकिन ओरिजिनली हमारी ये शेफ रोटेट ही इस तरह से कर रही है, ठीक है जी सर, मुझे इसके लिए शायद बुक की हेल्प ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रा बुक ओपन कर लूँ। सर आज अटेंडेंस की भी शीट दिखा दीजिए। मैंने बनाई नहीं, बनाई नहीं अभी तक। ठीक है सर, जो आपने लास्ट टाइम देखी थी ना वही वहाँ तक ही है, उसके बाद अभी तक जो मुझे भेजी गई हैं उनको मैंने अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अच्छा ये ना बड़ा ट्रिकी सा है, इसको देखना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पे खुद इसको बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर मैं जाके बुक से इस ड्राइंग को लूंगा और
अच्छा अब आप यहाँ पे ये नोटिस करें कि आपका अच्छा चलें पहले क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बताया नहीं। पिनियन टू इन फिगर शोन रन्स एट 1750 RPM रेवोल्यूशंस पर मिनट एंड ट्रांसमिट 2.5 kW टू आइडलर गियर थ्री। अच्छा आइडलर क्या होता है, हमने इसको डिस्कस किया था, वैसे जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। जीशान मौजूद है हमारे साथ? जी मुदस्सिर बताएंगे आइडलर क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू एज सच इंक्रीज नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम ड्राइविंग और ड्रिवन को करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाता है। इसका जो बेसिक मकसद होता है वो आपको डायरेक्शन वगैरह जो है वो चेंज करके दे रहा होता है, या फिर एक और आप पर्पज इससे सर्व करवा सकते हैं कि ये आपकी जो स्पेस है उसको कम कर रहा होता है। ठीक है, स्पेस भी यहाँ पे कम हो रही होती है। अच्छा टू आइडल द गियर आर कट ऑन द 20° फुल डेप्थ सिस्टम। आपको याद है कि हम फुल डेप्थ और स्टब टूथ की बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फुल की जगह स्टब डेप्थ सिस्टम लिख दूं तो आपको पता है कि तब आपने यहाँ पे क्या करना है। एंड हैव अ मॉड्यूल एम इज इक्वल टू 2.5 mm। मॉड्यूल क्या होता है, डायमेट्रल पिच तो आपको पता है, सिर्फ ये डायमेट्रल पिच जो है उसका इनवर्स होता है। और डायमेट्रल पिच क्या होता है, जी जी मुदस्सिर मैं देख लिया था कि आपने माइक ऑन किया है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो डायमेट्रल पिच क्या होती है, डी ओवर एन या एन ओवर डी? एन ओवर डी। डी ओवर एन नहीं होता, एन ओवर डी होता, वो मॉड्यूल होते हैं सर। एन ओवर डी, थैंक यू। तो यहां से हमारे पास आ गया मॉड्यूल की वैल्यू। तो मॉड्यूल जो है यहां से आ जाएगा डी ओवर एन। अच्छा अब एंड हैव अ मॉड्यूल ऑफ 2.5, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गियर थ्री एंड शो ऑल फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन इट। ठीक है, तो वो हमसे सिर्फ ये चाह रहा है कि हम ये जो गियर थ्री है सिर्फ इसके ऊपर काम करें। गियर थ्री के ऊपर काम करें, तो गियर थ्री के ऊपर काम करने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गियर थ्री को यहाँ पे अलग से बनाते हैं। पहले मैं बनाता हूँ और खुद से हाथ से बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ ना आई तो फिर हम बुक से हेल्प लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब गियर थ्री के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, ड्राइविंग गियर की वजह से। ड्राइविंग गियर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, हमारे पास ए है, और फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो गियर थ्री है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो हम यहां पे हम इस डायरेक्शन में यहां पे फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और हम साथ ही बना देते हैं इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी और इसका रेडियल कंपोनेंट भी।
और हम इसको कह देते हैं कि दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ 2 on 3 एंड दिस इज द टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ 2 on 3 एंड दिस इज द रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ 2 on 3। ठीक है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या बनेगा? इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स एफ 2 3 का यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीचे वाला हमने गलत बना लिया, मैंने गलत बना लिया, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा और ये इस डायरेक्शन में कर रहा है तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो इसको इसने नाम दिया हुआ है एफ बी फोर्स ऑफ दिस शाफ्ट बी ऑन गियर 3 एंड दिस इज अगेन आप इसको रेडियल या इसको आप ट्रांसवर्स सॉरी रेडियल या फिर ट्रांसमिटेड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर जो सर टेंजेंशियल की वजह से तो हमारे पास टॉर्क आएगा ना, उसका रिएक्शन तो आपने ड्रॉ कर दिया है। हाँ जी, तो ये इनको हम क्या लिखेंगे, एफ बी थ्री को क्या लिखेंगे, ये एक आप इसको लिख सकते हैं कि ये y है और इसको लिख सकते हैं कि ये x है। ठीक है, तो बेसिकली वो ये चाहता है कि शो ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन इट। तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, हमारे पास ये 3 है एफ बी 3 y है और एफ बी 3 है और तीसरा आपके पास यहाँ पे टॉर्क भी है, टॉर्क बी ड्यू टू बी ऑन 3। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात पूरी नहीं होती, यहां तक बात पूरी नहीं होती। अब होगा क्या कि ये जो आपके पास है शाफ्ट, ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेट होगी। ये जब क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो ये फोर्स लगाएगी आपकी गियर 4 के ऊपर। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस तरह से लगाएगी और जो गियर 4 है इन रिस्पॉन्स फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हो रही है बात? जी सर। और इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो ये 2 कंपोनेंट्स बनेंगे और हम इनको कह सकते हैं कि दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय 4 on 3 एंड दिस इज द रेडियल कॉम्पोनेंट बींग अप्लाइड बाई 4 on 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको, ये आपके पास एफ 4 3 टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये आपके पास F 4 3 रेडियल कंपोनेंट। सो दीज आर ऑल द फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन इट, लेकिन इन सब का जो आपको क्रक्स मिलेगा वो ये दरमियान में एफ बी 3 की फॉर्म में या टी बी 3 की फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे फोर्सेस निकालनी है वो फोर्सेस ये वाली है। ठीक है, क्योंकि ये कम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, ये यहां पे अगर मैं एफ बी 3 देखूं, बी 3 एक्स, ये मैंने क्या कर दिया, एफ बी 3 एक्स जो के कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है और ये लेफ्ट साइड पे लग रहा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, तो ये इक्वल है माइनस एफ 4 3 आर
प्लस एफ टू थ्री टी, ठीक है? यस सर। अरे फोर थ्री पॉजिटिव नहीं आएगा, दूसरी तरफ ले गया हूँ ना मैं, ठीक है जी सर, ठीक है मैं इक्वेशन को दूसरी तरफ ले गया हूँ, मुझे सिर्फ चेक कर लेने थे। मैं जैसे बोलता हूँ आप देखिए, माइनस एफ फोर थ्री आर प्लस माइनस एफ टू थ्री टी है, दोनों माइनस में नहीं प्लस है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन को आगे जाके माइनस उसके तरफ लग इन की है। चले तो अब हमारे पास, हमने ये दूसरा कॉम्पोनेंट लेना है, तो ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा? ये आएगा एफ बी थ्री वाई, एफ बी थ्री वाई नीचे की तरफ हम अगर पॉजिटिव लें इसको, तो ये एफ फोर थ्री टी नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा एफ टू थ्री आर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट आ गए, एक हमारे पास कंपोनेंट रहता है जो कि ये वाला है। तो जब हम ये तीनों निकाल लेंगे तो तब हम कह सकेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सारे जो फोर्सेस हैं स्पर गियर के ऊपर वो आ गए। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पता है एक फॉर्मूला कि अगर आपने टॉर्क लेना हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ, और आर यहां पे क्या होता है? आर आपका होता है पिच सर्कल का के डायमीटर का हाफ, और एफ आपके पास क्या होती है? एफ आपके पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड लोड होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड लोड आ जाए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये एफ बी थ्री वाई की डायरेक्शन ऑपोजिट ली है अपन ने, जी एफ बी थ्री वाई को मैंने देखें, आपको पता है इक्वेशन के अंदर जब आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हो तो आपकी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी सर, उसी वजह से डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा एफ बी थ्री वाई पहले इस तरफ था, पहले इक्वेशन के राइट साइड पे था, तो राइट साइड पे था तो ये माइनस आएगा, जी अल्ताफ सर, ये जो बुक में इक्वेशन बनी हुई है मैं इसका कह रहा था कि इसमें अच्छा, उससे जो है माइनस के साथ दिया हुआ और फोर्थ प्लस के साथ दिया हुआ, लेकिन उसकी वजह से यही होगा फिर जब माइनस में आ जाएगा तो हम उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। एफ टू थ्री आर नेगेटिव है, एफ टू थ्री आर नेगेटिव है, और एफ टू थ्री आर कहाँ पे है सर? आपने वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, शायद बुक वाले ने अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया हो। नहीं, उसका भी आंसर पॉजिटिव में ही है, एफ टू थ्री आर, ये ओदे विच अपन देखना है डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि वाकई उल्टा है सर, सर उसने FB3Y को अपवर्ड लिया हुआ है, अपवर्ड ही होगा, मैंने यहाँ पे इसको नहीं, इसने अपवर्ड लिया हुआ सर, आपने डाउनवर्ड बनाया हुआ है FB3Y को,
चलें ये आंसर हमें बता देगा कि हमने ये इसको उल्टा लिखा हुआ है या ये ठीक है। ठीक है, आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो हमें बता देगा कि डायरेक्शन ठीक है या गलत है। ठीक है जी सर। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे जो बात समझ नहीं आई चले ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हम अब टॉर्क के ऊपर अगर काम कर लें, डब्ल्यू टी उधर से हमारे पास आ जाएगा और जब डब्ल्यू टी आ जाएगा तो हम उससे ये इसको काइंडली आइस पैक पे रखिएगा। इंटरनेट डिवाइस है, मैंने कब्जा किया हुआ अपने रूम में, तो वो जो है ना अभी चोरी चोरी आके ले। तेरा आवाज कट रही है। अच्छा हम थे तो डब्ल्यू टी के लिए हम जाके सर रीजॉइन भी करा लें, लेस देन 1 मिनट रह गया। आवाज अभी भी कट रही है जी सर, अभी भी कट रही है और ये भी खत्म होने वाली है मीटिंग।